नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टिकटॉक को क्यों इंडिया में बंद कर दिया गया, क्यों बैन कर दिया गया, क्या कारण था और क्या वजह था। तो इस वीडियो में मैं सारा आपको टिकटॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों और दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि टिकटॉक को अब बंद कर दिया जाए तो उसे तुरंत प्ले स्टोर से गूगल ने प्ले स्टोर से अपना टिकटॉक का ऐप जो था वो हटा दिया और एप्पल के फोन के स्टोर से भी वहां से भी हटा दिया गया दोस्तों, कर दिया गया दोस्तों और बंद कर दिया गया है। और बहुत ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो टिकटॉक पे अपने वीडियो अपलोड करते थे और कुछ अर्निंग कर लेते थे दोस्तों। तो उन लोगों के लिए बहुत सारे फेमस लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक पे अभी बहुत परेशान है कि टिकटॉक बंद हो गया। मगर दोस्तों अभी तक इसका निर्णय जो है 22 अप्रैल तक आएगा। जो 22 अप्रैल को अगर निर्णय आता है कि टिकटॉक को पूरी तरीके से इंडिया में बंद कर दिया जाए तो दोस्तों जो आप लोगों के फोन में टिकटॉक का ऐप है, जो करंट पहले से जो पुराना ऐप आपके पास टिकटॉक का है, वो ऐप आप लोगों का हट जाएगा मोबाइल से। आप लोगों का जो पहले का टिकटॉक का ऐप है वो वहां से हट जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ थी इन्फॉर्मेशन जो टिकटॉक के तरफ से और जो हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये आदेश आया कि अब इसे बंद कर दिया जाए। तो मगर ये जो आदेश है ये 22 अप्रैल को लास्ट डिसीजन इस पे क्या आता है और कैसा आता है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि टिकटॉक चालू रहेगा इंडिया में या बंद हो जाएगा। पूरी तरीके से अभी बंद नहीं हुआ है, जिनके मोबाइल में पुराना ऐप है उनके मोबाइल में अभी टिकटॉक चल रहा है दोस्तों। तो ये 22 अप्रैल को देखते हैं कि क्या होता है, टिकटॉक बंद हो जाता है या चालू रहता है। तो 22 अप्रैल को देखते हैं। 22 अप्रैल के बाद मैं आप लोगों को दोस्तों एक वीडियो बना के बता दूंगा टिकटॉक इंडिया में चालू रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके बारे में मैं लास्ट इन्फॉर्मेशन 22 अप्रैल को शाम को दूंगा दोस्तों। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।